आप सबको बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती से परिचित कराती हूँ जिससे आप सभी परिचित हैं। जी हाँ, वो है उभरते हुए निर्देशक निखिल सिन्हा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उनकी अब तक 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और तीनों ही फिल्में काफी चर्चित रही है। निखिल जी, एट प्रेजेंट आप किस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने जा रहे हैं? मेरी फिल्म बाप बेटे के रिलेशंस पर बेस्ड है। एक्चुअली आज तक हमारे बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनी हैं उसमें बेटे के नेगेटिव शेड्स को ही दिखाया गया है, जैसे कि बेटे बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने माँ बाप के जज्बात, उनकी बेबसी, उनके आंसू के साथ खेला है। ऐसी फिल्में ओवरसीज में दिखाकर उन्होंने वहाँ की जनता की वाह वाह भी लूटी है। बट दिस इज नॉट फैक्ट। एक्चुअली मैं एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट एंगल पर रोशनी डाल रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि आज भी हमारे देश में ऐसे बेटे हैं जो माँ बाप की पूजा करते हैं, माँ बाप के दिए हुए संस्कार पर चलते हैं, उनके एक इशारे पर जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। I want to say that in our country, our new generation is very sharp. और जो बच्चे इतने शार्प और होशियार होते हैं, मेरा मानना है कि अपने माँ बाप के साथ कतई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। Exactly. तो फिर हम डायरेक्टर्स को अपने देश की छवि खराब करने का क्या हक है? सिर्फ इसलिए कि एक अवार्ड मिल जाए। हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो ये है कि ऑडियंस को भारतीय सभ्यता और संस्कार से परिचित कराए और उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिलाए कि आज भी हमारे देश में श्रवण जैसे बेटे हैं और ऐसा करने से ही हमारे देश के बच्चों को सही रास्ते पे लाया जा सकता है। You are right, sir. वैसे आपकी ये फिल्म कब तक रिलीज होगी? 80% फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, बस जल्द ही रिलीज होने वाली है। निखिल जी, आपका कितनी समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी ये फिल्म के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। परमेश्वर जी। यस सर। ऑल वेल? यस। टेक केयर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी मैं अब तक चैनल से आई हूँ और आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। बैठिए। थैंक यू। स्टार्ट कैमरा। हाँ तो परमेश्वर जी, आपको इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है, क्या आपने कभी सोचा था कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना है? निखिल सिन्हा के साथ काम करना तो क्या, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म में एज एन एक्टर काम करूंगा। तो फिर आप फिल्म लाइन में कैसे आए? एक दिन मैं मायूस होकर चला जा रहा था। निखिल सिन्हा की नजर मुझ पे गिरी। एक्सक्यूज मी, क्या आप फिल्मों में काम करोगे? मैं? देखिए, तकदीर ने वैसे भी मेरे साथ बहुत मजाक किया, अभी आप क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। मैं निखिल सिन्हा हूँ, फिल्म डायरेक्टर। इनफैक्ट मेरी फिल्म के लिए आई एम लुकिंग फॉर योर काइंड ऑफ कैरेक्टर। एक काम कीजिए, आप मुझे ऑफिस पे आके मिलिए, ठीक है? आइएगा जरूर। तो फिर आपने उनका नाम सुना और आप फिल्म करने के लिए तैयार हो गए? वैसे भी मैं काम की तलाश में था। उस टाइम मेरी स्थिति इतनी खराब थी ना कि अगर मुझे वॉचमैन की नौकरी मिल जाती ना तो भी मैं कर लेता, और मैंने हाँ बोल दिया। बिना सोचे, बिना स्ट्रगल किए आप इस मुकाम पे पहुँचे, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, अपनी किस्मत को या निखिल सिन्हा को? सच बताऊँ तो दोनों में से किसी को नहीं, इसका पूरा श्रेय मैं भगवान को देना चाहता हूँ। हालांकि मैं कभी कभी उससे मायूस जरूर हो जाता हूँ, लेकिन भरोसा रखता हूँ। Excuse me, sir. Yes? Sorry. Excuse me, madam. गए शूटिंग करके, जवानी में तो कुछ नहीं कर सके,
अब बुढ़ापे में हीरो बनकर क्या कर लेंगे आप? बाहर से थका हुआ आया हूँ और पानी पूछने की जगह स्कूल टीचर की तरह सवाल पे सवाल किए जा रही हूँ। तो फिर और क्या करूँ? आपको पता है ना मेरी तबीयत खराब है, कमर में दर्द है, ठीक से चला भी नहीं जाता, फिर भी आपको फिक्र है मेरी? अरे तुम्हारी फिक्र ना होती तो ये सब मैं करता ही क्यों? अकेला पेट तो कहीं से कैसे भी करके मैं पाल लेता। प्रभा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, और तुम तो जानती हो कि अगर मुझे वॉचमैन की नौकरी भी मिल जाती तो वो भी मैं कर लेता। ये तो इत्तफाक की बात है कि मुझे फिल्म में काम मिल गया, अगर इसमें ही तरक्की है तो फिर बुरा क्या है? तरक्की और आप कारोबार में हमेशा फेल होते रहे, और कैसे ना होते, किसी काम में मन लगे तब ना, एक काम छोड़ा तो दूसरा पकड़ लिया, दूसरे से जी भर गया तो तीसरा पकड़ लिया। तुमसे तो बात करना बेकार है। सर इसके बाद कौन सा सीन? एक्सक्यूज मी। हेलो या व्हाट? क्या हुआ सर? परमेश्वर गोयल का एक्सीडेंट हो जी। मैं मिस्टर परमेश्वर गोयल से मिलना चाहता हूँ। आप परमेश्वर गोयल के क्या लगते हैं? मैं उनकी फिल्म का डायरेक्टर हूँ। देखिए इस वक्त वो सीरियस हैं, और अगर वक्त पर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, उनकी जान को खतरा है। तो फिर आप ऑपरेशन कीजिए। लेकिन ऑपरेशन करने से पहले उनके फैमिली मेंबर्स का डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर साइन करना बहुत जरूरी है। प्लीज आप जल्दी से उनके घर वालों को बताइए। हेलो नदीम, जितना जल्दी हो सके परमेश्वर साहब के घर पे जाओ और उनके घर वालों को इन्फॉर्म करो कि परमेश्वर साहब का एक्सीडेंट हो गया है। या हरी अप फास्ट। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया? किस हॉस्पिटल में है वो? सिटी हॉस्पिटल। अब मैं क्या करूं? उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? देखिए आप हिम्मत रखिए, उन्हें कुछ नहीं होगा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे दोनों बेटों को खबर कर दीजिए प्लीज। क्या बात है भाई साहब, आपने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? प्रेम तू बाहर खेलने के लिए जा। हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था, पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है और उनकी हालत बहुत ही सीरियस है। मना किया था मैंने, उनसे कहा था कि घर में बैठ के आराम कीजिए, पर इस उम्र में भी उनके पांव घर में टिकते नहीं, बस भटकते रहते हैं। ना भटकते ना ही एक्सीडेंट होता। मैं क्या करना है वो सोचो। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर ने कहा है कि पिताजी की हालत एकदम नाजुक है, ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगेंगे, और डॉक्टर ने यह भी कहा है कि शायद वो बचेंगे या नहीं भी बचेंगे। मतलब बचना मुश्किल है, तो फिर इलाज करा के क्या फायदा, सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। गुड्डा मरते मरते भी हम सबको मार जाएगा, और वैसे भी इलाज के लिए पैसे ही कहाँ है हमारे पास। अरे मैं कहती हूँ कि इलाज करवाने की जरूरत ही क्या है, वैसे भी उम्र हो चली है, आज नहीं तो कल परलोक सिधार ही जाएंगे। और वैसे भी अगर कुछ काम के इंसान होते तो बच्चा भी लेते, और बच भी गए तो सबसे ज्यादा टेंशन तो मुझे ही है ना। तुम्हें क्या टेंशन होगा? क्यों नहीं होगा भला, आपकी माँ खुद उठ के पानी तो पी नहीं सकती है, तो पिताजी की सेवा क्या करेगी?
जो भी करना रहेगा वो मुझे तो करना पड़ेगा। जी, बात की बात है, पहले ये सोचे कि अब क्या करें। नोट है ना आपके पास, तो जाइए जाकर डॉक्टर और दवाइयों पर उड़ा आइए। आपके पास तो हाँ मेरे पास पैसे है, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से जमा करके रखे हुए। मुझे 2 बेडरूम का फ्लैट लेना है। तुम्हें तो पता है यहाँ कितने सारे मेहमान आते रहते, उठने बैठने की तकलीफ हो जाती, और ऊपर से इनके पिताजी यहाँ 24 घंटे पड़े रहते। क्यों नहीं पड़े रहेंगे भला, क्यों नहीं पड़े रहेंगे? मैं पूछती हूँ, ये घर क्या तुम्हारे बाप का है? मेरे पिताजी का है, वो जब चाहे तब यहाँ पे आके रुक सकते हैं। हाँ डार्लिंग, मगर मैं घर की बात कर रहा हूँ, इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे भाई साहब, सोसाइटी में रहना है ना तो हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे बहू बेटे बाप को देखने तक नहीं गए। वैसे देखने जाए तो इनका सोचना बहुत सही है, और वैसे भी सासू माँ को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक काम करते हम सब अस्पताल चलते। देर कर दी आने में। नहीं माँ, हमें जैसे पता चला हम लोग तो भाग भाग के यहाँ पे आए हैं। ठीक है, लो ये फॉर्म पर साइन कर दो। फॉर्म पे साइन करूँ? लेकिन लेकिन क्या माँ, ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, वो हम लोग लाएंगे कहाँ से? बेटा तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हाँ है, मगर मैंने सब इन्वेस्ट कर दिए हैं। मैं तुम दोनों को हाथ जोड़ती हूँ, किसी से भी कर्ज लेके कुछ भी करके तुम्हारे पिताजी को बचा लो, अगर अगर उन्हें कुछ हो गया तो। हमारे बुढ़ापे की आखिरी पूंजी है वापी वाली जमीन, वो मैं तुम्हारे नाम लिख देती हूं। कुछ भी करके तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन करवा दो। अरे माँ तू क्यों चिंता कर रही है, हम लोग यहाँ पे आ गए ना। लाओ लाओ मुझे फोन दीजिए। तू जरा भी चिंता मत कर, मैं अभी साइन करके सब पैसा भर देता हूँ। सॉरी मिस्टर परमेश्वर, इसका बचना बहुत मुश्किल है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए प्लीज, भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब। देखिए बच्चे माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, लेकिन यही बच्चे बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनते हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा तो जीवन भर का सहारा चला जाएगा, और इसकी माँ तो जीते जी मर जाएगी। डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। मुझसे जितना हो सकता था वो मैंने किया, बट नाउ आई एम हेल्पलेस। और इसे दवा से ज्यादा अब दुआ की जरूरत है। बाबा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, और डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया। बड़ी उम्मीदें लेके मैं आपके पास आया हूँ बाबा, ऐसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा। बंधु, इस वक्त तुम्हारे पुत्र को बचाने का केवल एक ही उपाय है, यदि तुम कर सकते हो तो तुम्हारा पुत्र बच सकता है। बोलिए बाबा बोलिए,
मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बोलिए मुझे क्या करना है बाबा? इस दिए को देख रहे हो? जी बाबा। जलते हुए दिए को तुम्हें बीच चौराहे तक लेके जाना है, लेकिन ख्याल रहे लौटते वक्त इसे मुड़ के देखना नहीं। तुम्हारे घर आने तक यदि दिया बुझ गया तो तुम्हारे घर का दिया भी बुझ जाएगा, लेकिन यदि दिया चलता रहा तो तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनं मृत्युमोक्षिमामृतात् ओम। जाओ, ले जाओ इस दिए को। ओके रामनाथ जी, नेक्स्ट। नहीं बचे ना तो सारा पैसा गया पानी में। ऐसे कैसे पानी में जाएगा? माँ ने कहा है ना कि वो वापी वाली जमीन हमारे नाम कर देगी। ऐसे कैसे कर देगी? उस पे हमारा भी हक है। कुछ भी हो, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। बराबर है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए ना, तो उसके लिए क्या है कि डैडी का जो इलाज होगा ना उसमें भी तुम्हें थोड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। हम क्यों दे? हमने आपको कहा था क्या ऑपरेशन करवाने के लिए? जो भाई, तुम्हारा कहने ना कहने से कुछ भी नहीं होता है, समझा? डैडी के इलाज में आप खर्च नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी में आपका कोई हक नहीं होता है। और डैडी मर गए तो हक मिलेगा, अगर वो बच गए ना तो वो बोलेंगे आपको कुछ भी हक मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। हमारे बेटे को होश आ गया? देखिए ना, निखिल साहब, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन। आगे क्या? इन शॉर्ट, बेटे के लिए इतना कुछ किया है, वही बेटा एक दिन बड़ा होकर अपने बीमार बाप के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। बस यही पोर्शन शूट करना बाकी। शूटिंग कब से? बस परमेश्वर साहब ठीक हो जाए उसके बाद ही स्केड्यूल लगाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरे पति की तबीयत। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थैंक यू।
अरे प्लीज परमेश्वर जी, आई रियली विश यू गेट वेल सून। अरे ये क्या आपकी आंखों में आंसू? निखिल जी माफ करना, मैं अब आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकता। अरे किसने कहा आप काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि मुझे तो लगता है कि आप पहले से बेहतर एक्टिंग कर पाएंगे। थोड़े सीन्स एडिट हुए हैं, आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको रशिश दिखाता हूँ। परमेश्वर जी आप खुश हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं कि ठीक होने में मुझे महीना दो महीना निकल जाएगा। अरे तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, हम शूटिंग दो महीने बाद करेंगे। वैसे भी एडिटिंग का काम तो चलता रहेगा, आप रेस्ट कीजिए, तब तक हमारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खत्म हो जाएगा। परमेश्वर जी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप जल्दी से डिस्चार्ज होकर घर आ जाइए, फिर हमें बहुत काम करना है। टेक केयर। हे प्रभु, तूने मेरे पति को जीवन दान दिया है, तुझे जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। बस बस एक कृपा और कर दे, मेरे पति को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे। मुझसे उनकी पीड़ा देखी नहीं जाती और ना ही मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। हमें अपने बहु बेटों का मोहताज न बना, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले प्रभु, स्वीकार कर ले। सुनिए, लीजिए प्रसाद खाइए। कितने दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं? जब तक डैडी की तबीयत अच्छी नहीं होती है तब तक। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके डैडी की तबीयत कब अच्छी होगी? डार्लिंग एक महीना भी लग सकता है, दो महीना भी लग सकता है। पहले बताना चाहिए ना, तो उनका इंतजाम आपके छोटे भाई के घर पे कर देते। मगर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो दोनों कोने में पड़े हुए हैं, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? परेशान हूँ मैं, जब देखो तब चिक 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 चिक। मैं ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी भी नहीं देख सकती हूँ, अपनी किसी सहेली के साथ प्यार से बात भी नहीं कर सकती हूँ। जोर से बोलो तो उनको लगता है मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ उनको, और धीरे से बोलो तो लगता है कि मैं किसी से शिकायत कर रही हूँ उनकी। इस बैठे बैठे यहाँ पे रूम में मेरा तो दम घुटने लगा है। आप एक काम कीजिए, अभी का अभी उन दोनों को अपने भाई के वहां छोड़ के आ जाइए। मैं उन्हें अपने घर नहीं ले जाऊंगा। देखिए भाभी जी, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, मैं उन्हें क्या अपने सर पे रखूंगा? क्यों, आप उनके बेटे नहीं हो, आपका कोई फर्ज नहीं बनता उनके लिए। फर्ज की बात मत कीजिए भाभी जी, आज तक उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है? प्लीज यार, तुम लोग चुप हो जाओ। दीदी ये बात सुनेंगे ना तो अभी तक वापी की जमीन हमें लिख के नहीं दी है, वो लिख के नहीं देंगे तो। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं लिख के देंगे, हमने उनके इलाज पे जो पैसे खर्च किए उसका क्या? अच्छा, कितने पैसे खर्च किए आप लोगों ने? 1,00,000 रुपया। अच्छा, वो 1,00,000 रुपया आपने अपनी जेब से खर्च किया है क्या? क्या तूने तेरी जेब से खर्च किया है क्या? माफ कीजिए भाई साहब, सारा पैसा निखिल सिन्हा ने दिया है। पैसा निखिल सिन्हा का और इलाज का ढिंढोरा आप पीट रहे हैं। अरे 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 अरे, आप दोनों तो परेशानी का हल निकालने की जगह परेशानी खड़ी कर देते हो। माफ कीजिए भाभी जी, आप तो चुप ही रहिए। 1,00,000 रुपया दिया था निखिल सिन्हा ने इलाज के लिए, उसमें से सिर्फ 50,000 रुपया खर्च हुआ है। बचे हुए पैसों में से मुझे आधे पैसे देने चाहिए थे ना, मैं उनका बेटा नहीं हूँ क्या? लेकिन नहीं, आपने उन पैसों में से नया वॉशिंग मशीन खरीदा, अपनी गाड़ी के दोनों टायर बदलवाए। नहीं नहीं नहीं, मैं वापी की जमीन आप लोगों के नाम पे करवाने नहीं दूंगा, उसमें मेरा भी हक है।
बाप, डैडी ने दवाई खाई? नहीं बेटा। क्यों? बेटा ये दवाइयां अंग्रेजी हैं और कहते हैं भूखे पेट अंग्रेजी दवाइयां खाने से रिएक्शन हो जाता है, इसी डर से मैंने उन्हें दवाइयां नहीं दी। शालिनी, 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 क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? दोपहर से डैडी भूखे हैं, उनको खाना क्यों नहीं दिया? खाना दिया था मैंने उन्हें, लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया। क्या? हाँ, आपके पिताजी को डॉक्टर ने चिकन मटन खाने से मना किया है और सब्जी तो उनको पसंद नहीं है। क्या करूं, दे दूं चिकन मटन खाने के लिए? और वैसे भी आज जो मैंने सब्जी पकाई है ना, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बात है, मरने दो उनको, भूखा ही मरने दो, अभी तुमको भी उनको मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये रहे आपके नसबंदी कराने के 35 रुपए। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे ओ भाग्यवान, अरे देखो मैं क्या लेके आया, अपने बच्चे के लिए दूध और हमारे लिए खाना लेके आया। अरे भाग्यवान, आप खामखा अपनी बहू को बदनाम कर रही हो, उसने पिताजी को खाना लाके तो दिया था। देख बेटा, रोज एक ही एक खाना कैसे खाया जाएगा? सुबह नाश्ते में भिंडी, दोपहर को खाने में भिंडी, रात को भी भिंडी, एक ही खाना खाने से तो अच्छा खासा आदमी भी ऊब जाता है। ये तो बीमार है, कैसे खाया जाता उनसे? मैं पूरा दिन घर का काम करूं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाऊं, उसे वापस लेने जाऊं, और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि आपको तरह तरह का खाना बना के खिलाऊं। और आपको एक जैसा खाना लगता है तो आप खुद क्यों नहीं पका लेती? सालिनी बराबर कह रही है, आप इस घर में मेहमान थोड़ी हो, अगर आपने घर के काम में हाथ बटा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में कौन है हमारा? अरे उन्होंने दो बातें कह भी दी तो बर्दाश्त क्यों नहीं कर लेते आप? गिरने से आपका सर फूट, आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अब समझते क्यों नहीं हो? दादाजी गिर गए, उनके सर से खून बह रहा है। अच्छा हुआ, वैसे भी तो बुढ़ापे में इतना जोश दिखा रहे थे जैसे हमें पाल पोस रहे हैं। जैसा किया है ना वैसा ही भुगतेंगे। परमेश्वर जी, 6 साल से आपकी स्थिति इतनी दयनीय है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इतने बड़े कष्टों का सामना कैसे किया होगा। वो तो मैं और मेरा भगवान ही जानता है, बहुत बुरे दिन निकाले हैं मैंने। पंडित जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि
कि इन कष्टों से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। इस कुंडली के अनुसार इस समय आपके शनि की साढ़ा साथी चल रही है। 3 महीने के अंदर बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है और आपकी जान को भी खतरा है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सोच रहे हैं आप? ज्योतिष ने की हुई बातें सोच रहा हूं। ज्योतिष ने कहा था कि दुर्घटना होगी और दुर्घटना हो गई। प्रभा अब मैं नहीं बचूंगा। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? नहीं प्रभा, मैं सच कह रहा हूं। अब मैं 1-2 महीने का ही मेहमान हूं। प्रभा तुम तो जानती हो कि मैं जीते जी कभी किसी पे बोझ नहीं बना और अब मैं अपने बेटे पे बोझ बनना नहीं चाहता हूं। मैं चैन व सुकून से मरना चाहता हूं। प्रभा मुझे यहां से ले चलो प्लीज, मुझे यहां से ले चलो। Oh.
परमेश्वर साहब से मिलना चाहता हूँ। वो नहीं है यहाँ पे। कहाँ गए? वो घर छोड़ के चले गए। अरे मगर डॉक्टर ने तो उन्हें आराम करने के लिए कहा था, और ऐसे हालत में आपने उसे घर छोड़कर जाने कैसे दिया? उनका दिमाग है ना सठिया गया है। मेरी पत्नी ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की मगर नहीं समझे, चले गए यहाँ से। जाने तो, दो चार दिन भूखे रहेंगे ना तो उनका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। करेक्ट, सही बात की आपने। क्या सोच है आपकी अपने पिताजी के बारे में? आपने सही कहा, आपके पिताजी सटिया गए हैं क्योंकि उन्होंने आप जैसे बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। दो चार दिन ही क्यों भाई? मैं तो कहता हूं ऐसे माँ बाप को 15-20 दिन तक भूखा रखने की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आप जैसे बेटों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ऐसे माँ बाप को तो बेसहारा करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ ही देना चाहिए, तभी तभी उनका दिमाग ठिकाने पर आएगा। करेक्ट, एक्सलेंट, क्या सुंदर सोच है आपकी। धिक्कार है आप जैसे बेटों पर जो इतना कुछ होते हुए भी एक बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकते। आपका प्रवचन हो गया, प्लीज जाइए यहां से। आप चला जाऊंगा, मैं इतना जरूर कहूं कि माँ बाप के चरणों तले स्वर्ग होता है, और जो बेटे इस स्वर्ग से मुंह मोड़ लेते हैं ऊपर वाला इस दुनिया को ही नरक बना देता है। Keep it up. रामनाथ जी। सर, अरे इट्स ओके, आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? उस दिन मैं आपके तजुर्बे से कहीं ज्यादा बोल गया था, आप ठीक कहते थे। आजकल ऐसे बैठे कहाँ? मैं मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज कर रहा हूँ। अब कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी, लेकिन अपने बेटे के घर लौट कर नहीं जाएंगे। आप कमाते थे, घर चलता था, वो बिजनेस तो बेटों के हाथ चला गया, हमारे हाथ किसी मुर्दे की तरह खाली हो गए। अब कैसे गुजारा होगा? तुम्हें भगवान पे भरोसा है? हाँ है। तो फिर ये क्यों भूल जाती हो कि अगर उसने हमें पैदा किया है तो हमारे भाग्य में दाना भी उसने लिख ही दिया। अभी उसी ऊपर वाले के सहारे चलते चलो, देखते हैं भाग्य किधर ले जाता है। शर्मा जी, कुछ पता चला? नो वे, नो वे, इट्स नॉट पॉसिबल शर्मा जी। परमेश्वर गोयल के बिना फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती। यस ऑफ कोर्स। नहीं, आप किसी भी तरह उनका पता करवाइए। वो कहाँ जा सकते हैं? किसी दोस्त के यहाँ, या फिर किसी पड़ोसी के यहाँ, या फिर किसी रिलेटिव्स के यहाँ से पता करवाइए। वे दोनों घर छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? हाँ जी, ठीक है। क्या सोच रही हो प्रभा? बहू और बेटे की याद आ रही है क्या? नहीं, सोच रही हूं आज रात हम क्या खाएंगे, कुछ भी तो नहीं हमारे पास। प्रभा,
चलते चलते इतना थक गए हैं ना कि बिना खाना खाए ही नींद आ जाएगी। सो जाओ, कल सुबह सोचेंगे। क्या बात है संजय, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हिसाब किताब करने के। आज से और अभी इसी वक्त से हम दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो मैं खत्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नियत में खोट है। मेरी गैरहाजिरी में अपनी कंपनी का सारा माल बेच चुके हो। गलत बात है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत तुम्हें? सबसे बड़ी मिसाल और सबसे बड़ा सबूत तुम्हारा अपना बाप है। तुम अपने बाप के सारे क्लाइंट तोड़ चुके हो, कम कीमतों पर माल बेच के अपने बाप को मार्केट से आउट करवा चुके हो। अरे जो लड़का अपने बाप का ना हो सका वो एक दोस्त का क्या होगा? इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ, और एक बात, आज के बाद मुझे तुम पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। और हमारी फैक्ट्री में तुमने जितना भी पैसा लगाया है इसी वक्त मैं दिल्ली तैयार हूँ, फैक्ट्री छोड़ के चले जाओ। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ, चले जाओ। समझदारी इसी में है, वरना। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा, ये तुम्हारा थोबड़ा है ना, बिगाड़ के रख दूंगा मैं। हंसता बंद करो, कहीं किसी को अपना थोबड़ा दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम। माँ का दूध पिया है ना तो बिगाड़ के दिखा। इतना समझाता हूँ फिर भी नहीं समझ। भगवान जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है, सोचो मत, सब उस पर छोड़ दो। पर कोशिश तो हमें करनी ही पड़ेगी ना। आप बीमार है, मुझसे चला नहीं जाता, आखिर करे तो क्या करे? तुम बैठो, मैं देखता हूं। निखिल जी, आप आइए आइए आइए, बैठिए। अरे प्लीज प्लीज, आप बैठिए। नमस्ते भाई। आप यहां कैसे? आपके जानने वालों से पता चला कि वापी में आपका एक पुश्तैनी मकान है, हमने सोचा यहां भी देख लेते हैं, तो आप यहां मिल गए। अब कैसी तबीयत है आपकी? क्या बताऊं, खड़ा होता हूं तो चक्कर आने लगता है, दो चार कदम चलता हूं तो सांसें भी फूल जाती है। निखिल जी, मुझे बहुत ही दुख है कि आपने इतने पैसे लगाए, इतनी मेहनत की, फिर भी आपकी फिल्म बंद पड़ी है। कोई बात नहीं, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिल्म फिर से शुरू हो जाएगी। इसी बात का तो रोना है, अब मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चंद दिनों का मेहमान हूं इस दुनिया में। किस डॉक्टर ने आपसे ऐसा कहा? डॉक्टर ने नहीं, ज्योतिष ने बताया है। परमेश्वर साहब, ज्योतिष ने आपको कहा और आपने मान लिया? जरा सोचिए, ज्योतिष की भविष्यवाणी अगर सच होती तो लोग भगवान को छोड़कर ज्योतिष के सामने सर झुकाते। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा, आप एक और पारी खेलेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि इस उम्र में भी इंसान कमजोर नहीं होता। परमेश्वर जी, ये आपकी फिल्म का मुआवजा, प्लीज ले लीजिए। इससे आप अपनी जरूरत पूरी कीजिए और अगर कम पड़े तो मुझे फोन कीजिए, मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। प्रभा, देखा भगवान
भगवान किस किस रूप में आते हैं। तू बड़ा धन्य है भगवान, तू बड़ा दयालु है भगवान। रो मत राधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ भाभी, क्या ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब ये जिंदगी भर देख नहीं पाएंगे। आखिर इन्होंने अभी तक देखा ही क्या है? अब जाइए, जाकर उस संजय के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाइए। कोई फायदा नहीं है भाभी, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मंत्रियों के साथ बैठता है साला कमीना, कोई फायदा नहीं है। तुझे पता है मेरा जमीन का केस अब तक चल रहा है, हुआ कोई फैसला? हुआ? पूरा मेरा धंधा बर्बाद हो गया। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? इनके आंखों के साथ साथ फैक्ट्री भी छीन ली, अब हमारा क्या होगा? क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मुझे मेरे बेटों ने घर से निकाल दिया। जब तक मुझ में ताकत थी उन्होंने मुझे साथ दिया, मैंने उनको चलना फिरना सिखाया, कारोबार करना सिखाया। आज सब कुछ उनके हाथ में चला गया और मैं रास्ते पे आ गया। बस हम बूढ़े लोगों की यही तो प्रॉब्लम है कि जरा सी भी बात ऊपर रोना शुरू कर देते हैं। अरे सिखाने वाला सीखने वाले से कहीं ज्यादा तजुर्बेकार होता है। बिजनेस छीन लिया तो क्या हुआ, अपने तजुर्बे से नया बिजनेस शुरू करो, और उसमें आपके बेटे की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हम कमजोर तभी हो जाते हैं जब पूरी तरह किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। आप डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट, फिर देखे कि हम बूढ़े माँ बाप की जिंदगी में कैसी खुशियां आ जाती। अरे बच्चों को उनकी लाइफ उनके हिसाब से जीने दो, हम हमारी लाइफ हमारे हिसाब से जिएंगे, और इसमें ही माँ बाप की इज्जत और बेटों का भ्रम रह जाएगा। और आप भी अपने बच्चों से कभी उम्मीद ना रखें, क्योंकि हमें दुख तब होता है जब उम्मीदें टूट जाती है। लेकिन अपने बच्चों को सिर्फ इतना हक दीजिए कि हमारे मरने के बाद वो हमें स्मशान तक पहुंचा, क्योंकि वो लोग हमारे जीते जीत यही तो चाहते हैं कि कब मरे, तो क्यों ना मरते मरते उनकी ये इच्छा भी हम लोग पूरी करें। और मां बाप का फर्ज रहता है कि बच्चों की इच्छाओं को सिर्फ पूरा करना, सिर्फ उनकी इच्छाओं को पूरा करना, बस। Thank you, sir.
निखिल सिन्हा की फिल्म सपूत को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 100% रहा है। इस फिल्म को फैमिली ऑडियंस काफी पसंद कर रही है, खास करके परमेश्वर गोयल। परमेश्वर गोयल ने अपनी अदाकारी का वो जोहर बिखेरा है कि चारों तरफ उनके ही चर्चे हैं। परमेश्वर जी के सारे जज्बाती सीन ऑडियंस को रोने पे मजबूर कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में उन्होंने 16 फिल्में साइन की हैं। अरे मगर तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? चलिए उठिए, हम अभी रेड्डी से मिलने चलते हैं। नहीं, हम लोग वहां जाके करेंगे क्या? अरे अपने किए की माफी मांगेंगे और उनको यहाँ घर पे ले आएंगे। लेकिन कुछ नहीं, वैसे भी अनिल भाई साहब की फैक्ट्री बंद हो चुकी है और आपको तो वो बिजनेस में लॉस गया है। घर में एक भी इंसान कमाने वाला नहीं रहा तो हमें ये घर बेच के खाना पड़ेगा। भाभी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, जरा पता तो कीजिए कि उनकी शूटिंग कहाँ चल रही है। ताकब! परमेश्वर जी। यस सर। पैक अप फॉर द डे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू दादा। चलिए। सर सर सर। चलो तो ग्राफ सर। थैंक यू सर। डेड, हम सब अपने किए पे शर्मिंदा है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माँ जी आप भी हमसे नाराज है, प्लीज आप तो हमें माफ कर दीजिए।